हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल पर। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक बजट परफ्यूम एनवी नेचुरल स्प्रे फॉर मेन का रिव्यू। 70 ml की इस परफ्यूम की कीमत 325 रुपये है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ 130 रुपये में मिंत्रा से खरीदा। दोस्तों, ये एक ब्लाइंड बाय थी। रिव्यू में हमेशा की तरह एक नजर डालेंगे पैकेजिंग और बॉटल डिजाइन पर, और साथ ही मैं बात करने वाले हैं इसकी नोट प्रोफाइल, परफॉर्मेंस, यूजेज, किस एज ग्रुप के लिए सही है, किस मौसम में बेस्ट सूटेड है, और क्या ये आपको खरीदनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, अक्सर बजट परफ्यूम्स को लेकर हमारी अलग अलग धारणाएं होती हैं। हम यूजली इनको इग्नोर कर देते हैं ये कहकर कि इनमें चीप सिंथेटिक केमिकल्स का यूज होता है, या ये स्किन फ्रेंडली नहीं होते, या इनकी स्मेल अच्छी नहीं रहती, या इनमें परफ्यूम की लॉन्जिविटी नहीं मिलती, या फिर ये कि जिस प्राइस में ये परफ्यूम्स मिलती हैं उस प्राइस में मार्केट में अच्छी परफ्यूम्स मिल जाएंगी और ना जाने क्या क्या। ये सोच गलत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम सबके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमने ऐसे फेस कर रखे हैं, लेकिन परफ्यूम एक शौक है, नेसेसिटी नहीं। और हर किसी का बजट अलग होता है। जो यंग क्राउड है, जो अभी अभी परफ्यूम की इंडस्ट्री में आ रहा है, धीरे धीरे जो अपने कदम बढ़ा रहे, या वो लोग जिनकी इतना बजट नहीं है, जो अपनी पॉकेट मनी बचा बचा कर एक परफ्यूम खरीदना चाहते हैं, या वो लोग जिनका जैसे मैंने बताया बजट नहीं है लेकिन शौक रखते हैं, वो क्या करें? क्या उनको हक नहीं परफ्यूम खरीदने का? दोस्तों, ऐसा नहीं है। और सिर्फ महंगी परफ्यूम्स ही अच्छी होती हैं ये ना तो मैं मानता हूँ, और आप भी एग्री करेंगे। कई बार बजट में रहकर भी बेहतरीन फ्रेग्रेंसेस मिल जाती हैं। ये जो आज की परफ्यूम है ये बिल्कुल उसी का एक उदाहरण है। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको इस वीडियो का ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आए तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं बजट फ्रेंडली परफ्यूम्स पर और रिव्यूज लेकर आऊंगा। दोस्तों, इस चैनल का इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी फॉलो करें। अपकमिंग रिव्यूज और बाकी ऑफर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो वहां मैं अपलोड करता रहता हूं, तो आपको वहां से भी मिलती रहेगी। आउटर पैकिंग की बात करें तो नॉर्मल पेपर से करी हुई है, ब्लैक ग्लॉसी बैकग्राउंड पर हर जगह ब्रांडिंग करी हुई मिलती है। फ्रंट एंड बैक पर देखें तो एनवी नेचुरल स्प्रे फॉर मेन लिखा हुआ है, ये देखें। एक तरफ देखें तो उदय परफॉर्म लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ देखें तो कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स हैं, जैसे कॉशन, इंग्रेडिएंट, मैन्युफैक्चर्ड बाय, मार्केटेड बाय। नीचे देखें तो इसकी प्राइस 325 रुपये, एक बैच नंबर, 3 साल की शेल्फ लाइफ अवेलेबल है। परफ्यूम बॉटल की बात करें तो ग्लास सिलेंडर की एक बहुत ही अट्रैक्टिव सी लुक वाली बॉटल है। जहां इसकी पैकिंग जो है वो ग्लॉसी थी, वहीं ये बॉटल जो है वो मैट फिनिश हो रखी है। इस पर एनवी 70 ml और नेचुरल स्प्रे प्रिंटेड है। दोस्तों, बॉटल में EDP या फॉर मेन या इसकी प्राइस या शेल्फ लाइफ इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है बॉटल में। इसके अलावा जो कैप है वो प्लास्टिक का है दोस्तों, और ठीक सा कैप है। मेरे को जो बॉटल मिली है उसका कैप थोड़ा लूज है, लेकिन ठीक है, डिसेंट है इस प्राइस के लिए, नॉट बैड। और इस पर एक एटमाइजर है जो कि काफी डिसेंट है, अच्छी खासी थ्रो है इसकी दोस्तों, लीक नहीं करता। और इस बॉटल में 70 ml में आपको इस एटमाइजर से अराउंड 600 स्प्रेस मिल जाते हैं, जो कि परफ्यूम को समझने में काफी मदद करते हैं। आइए इसकी फ्रेग्रेंस समझिए। दोस्तों, कंपनी द्वारा दी गई नोट प्रोफाइल कुछ ऐसी है। टॉप नोट में आपको सिट्रस नोट्स मिलते हैं, जिसमें आपको लेमन, बगमो, ऑरेंज, मैंडरिन, एल्मी ये सब मिलता है। मिड नोट्स में कोरिएंडर, लिली, जैस्मिन और सेज का ब्लेंड मिलता है। और फाइनली बेस नोट इसमें वुडी है, जिसमें सैंडलवुड, एम्बर, मस्क, वेटिवर का ब्लेंड मिलता है। क्या किसी ने सोचा था कि 325 रुपये की फ्रेग्रेंस में इतने डिटेल नोट प्रोफाइल का कॉम्बिनेशन मिलेगा? इसके इनिशियल स्प्रे पर आपको एक सिंथेटिक अल्कोहल के साथ स्ट्रॉन्ग, कड़वी, सिट्रसी फ्रेग्रेंस फील होती है। ये इसलिए है क्योंकि इसके टॉप नोट सबके सब सिट्रस बेस्ड हैं। दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको स्प्रे करने के 10-15 सेकंड बाद आप इसको स्मेल करें। स्प्रे करने पर जो सिंथेटिक नोट्स की किक है वो आपके जो परफ्यूम के एक्सपीरियंस है उसको खराब कर सकती है। ये क्योंकि एक बजट फ्रेग्रेंस है दोस्तों, तो इसमें वो सिंथेटिक किक आपको मिलेगी जरूर। इसके ड्राई डाउन में सिट्रसी नोट्स में मिल जाते हैं फ्लोरल और स्पाइसी नोट्स, जो इस फ्रेग्रेंस को कैरेक्टर देते हैं। और फाइनली देखें तो बेस नोट में वुडी नोट्स अवेलेबल हैं, जो इस फ्रेग्रेंस को ठहराव देते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग बनती है। दोस्तों, ये परफ्यूम मुझे याद दिलाती है मोनेट की पासपोर्ट फ्रेग्रेंस का, क्योंकि काफी सारे जो इसके जो नोट्स हैं वो उससे एकदम मैच करते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो स्किन और क्लोथ्स पर आराम से 6 से 7 घंटे या उससे भी ज्यादा की परफॉर्मेंस मिल सकती है। दोस्तों, मुझे पता नहीं कि क्या ये ओदे परफॉर्म है, लेकिन मैं इसको एज एन अप्रेल स्प्रे की तरह यूज करता हूँ। यूजेज की बात करें तो इसे कैजुअल इनफॉर्मल ओकेजन के लिए यूज कीजिए। फ्रेश फ्रेग्रेंस है, अगर आपको फ्रेश फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो ये डेफिनेटली आपके लिए है।
एज ग्रुप की बात करें तो ये सभी के लिए है, और फाइनली सीजन की बात करें तो क्योंकि फ्रेश है फ्रेग्रेंसेस और ऐसी ताजगी जो देती हैं, तो ये समर मानसून, समर मॉर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा है, समर इवनिंग्स के लिए बहुत अच्छा है। इन ऑल बात करें तो एनवी नेचुरल स्प्रे कमाल की फ्रेग्रेंस लगी मुझे, बॉटल भी अट्रैक्टिव है, फ्रेग्रेंस भी और परफॉर्मेंस भी। कम दाम में ऐसी फ्रेग्रेंस को आप एक बार जरूर ट्राई करें। दोस्तों ये मैंने एज अ ब्लाइंड बाय ली थी, लेकिन अब मुझे इस पर बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा कि मैंने ये फ्रेग्रेंस खरीदी है, और मैं यही मानता हूँ कि बजट फ्रेग्रेंसेस को एक बार आपको ट्राई करना जरूर चाहिए। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आशा करता हूँ कि आपको ये ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपने ये परफ्यूम यूज़ कर रखी है तो अपनी राय जरूर बताएं, अपने सवाल भी मुझे कमेंट जरूर करें, चैनल के इंस्टाग्राम पेज से जुड़ें। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, और महकते रहें अच्छी खुशबू और अच्छे विचारों से। Thank you and have a nice day.